छोड़ो, कमेंट आ रहे हैं रॉकेट डाल के कैंपर में और जला दो। कैंपर में रॉकेट भर के जला दे। चलो 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 कैंपर के अंदर। सेफ्टी थर्मी, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ चलो पहले कैंपर को थोड़ा सेफ कर लेते भाई, हमें तो दिक्कत नहीं है, यूट्यूब को दिक्कत हो जाती है और थोड़ा किसी और को दिक्कत हो जाती है। कैंपर को सेफ करते हैं, कैंपर में रॉकेट भरते और चलाते हैं। चलो यार हम आ गए हैं पब्लिक और किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी से कोसों दूर। यहाँ पे हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर सकते हैं। गाड़ी भी आ गई है गाइस और गाड़ी को हमने पूरी तरीके से सेफ कर दिया। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस यार यहाँ पे जो है बहुत सारे रॉकेट्स है और इसीलिए हमने क्या किया, पूरी गाड़ी को सेफ किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाली है, इस साइड भी जाली है, इस साइड भी जाली है और यहाँ पे चारों तरफ से जो गाड़ी है वो तो पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने रॉकेट। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रॉकेट थे बहुत सारे, पूरा तगारा भर के, और इसके अंदर एक साथ आग लगाएंगे और फिर गाड़ी को भी चलाएंगे, फिर देखते हैं इसमें कितना मजा आता है। तो चलो फटाफट से शुरू कर लेंगे। सेफ्टी के साथ करेंगे, कोई भी पास नहीं रहेगा। नीचे ले लो। चलो गाइस 3, 2 and 1। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी डर को करने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी बंद कर दे, गाड़ी बंद कर दे। ओ भाई चलो मामला ठंडा होने दो थोड़ा सा। मनीष कैसा लगा? बहुत भयंकर वाला डर लगा भाई। आप लोगों को कमेंट कभी कभी भारी पड़ जाते हैं यार।
भाई साहब। अच्छा हमने सेफ्टी के पूरे इंतजाम कर रखे थे, फिर भी थोड़ा अंदर से ऐसा होता अंदर धमीड़ ऐसा लग रहा था जैसे कि युद्ध हो रहा और युद्ध के बीच में से हम जा रहे। थोड़ा शांति करते उसके बाद देखते हैं कि वीडियो चेक करते फुटेज कैसा क्या हुआ। सेफ्टी फर्स्ट। गाइस यार गाड़ी के अंदर थोड़ा पानी डालते, गाड़ी की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गई। गाड़ी के गाइस हवा के वो पानी डालने पड़ेगा गाड़ी पे भाई, गाड़ी पूरी भभक रही है, गर्म होगी खतरनाक। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ आप ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें, यहाँ तो गर्मी आ रही है इसकी यार। पानी लाओ पानी पानी। खराब हो गया हाँ, ये भी खराब। नहीं यहाँ से स्किन खराब होगी ना भाई, टूट गया वो गया। 80,000 का नुकसान बाबा, 80,000 का नुकसान हो गया। कमेंट की पानी डालो अरे, पहले उसमें डालो, पहले गाड़ी में डालो, गाड़ी गर्म होगी। गाइस आप देख सकते हैं गाड़ी की जो है कितना गर्म, अबे गाड़ी की कितनी गर्म हो गई है। देखो क्लोजअप देखो, इनके पूरे खत्म हो गए हैं। वो टाइटल अपने ऐसे नहीं डालते, लाखों का नुकसान सही होता है, सही में हो गया भाई। और मुझसे ज्यादा बुरा इसको लग रहा है कि यही सारी चीजों की देखरेख करता है भाई अपना। तो अब पहले इसको यार इसको वो डाल, कांच में मत डालना, कांच वरना हाइट की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से घूम हो जाएगा। तो गाइस यार इस एक्सपेरिमेंट के बाद गाड़ी का क्या हाल हुआ है मैं आपको, बहुत गर्म हो रही है, अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है इसके अंदर, कोयले हो गए गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी का ये कुछ ऐसा हाल है, पूरा जो है चारों तरफ से वाट लगी कुल मिला के। तो यहाँ पे गाइस इसको और ठंडा होने देते, अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म है यार, यहाँ तक इसकी जो है हीट आ रही है। डाल और डाल पानी डाल, बाद में गर्म हो रखेगा। अरे ये कांच फूट गया क्या, देखो यार। अच्छा वो दूसरा है, ये रुक गाइस, ये देखो ये वाला कांच गरम है अभी भी। तो गाइस यार आज के लिए इतना, हमसे मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। यू नो ट्राई टू स्टे होम एनीवेयर विद योर कार, विद योर गर्लफ्रेंड और एनीवेयर, किसी के साथ भी धूमधड़ाका ना करें। बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी दिवाली। दिवाली को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है, यह जितना रोशनी का त्योहार होता है उतना ही पटाखों का भी होता है। दिवाली पर लोग जमकर पटाखे जलाते हैं, दिवाली पर मार्केट में तरह तरह के पटाखे देखने को मिलते हैं। पटाखों का अपना अलग ही विज्ञान है, कोई बहुत ज्यादा आवाज करता है तो कोई बहुत ज्यादा रोशनी करता है, किसी से चमकीला चांद सितारे बनाता है प्रकाश निकलता है, तो कोई लट्टू की तरह घूम घूम कर रोशनी पैदा करता है। ऐसा ही एक रॉकेट नाम से जाना जाने वाला पटाखा भी होता है। वैसे तो सभी तरह के पटाखों में बारूद का इस्तेमाल होता है, लेकिन सभी के जलने पर इसका असर अलग अलग दिखाई देता है। बात अगर रॉकेट की करें तो इसमें आग लगते ही यह आसमान की तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक तय दूरी के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगी रोशनी कर देता है। रॉकेट को देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर रॉकेट में ऐसा क्या होता है जो यह आसमान की ओर भागता है और बाकी सभी पटाखे तो जमीन पर ही फूट जाते हैं। आइए जानते हैं रॉकेट से जुड़े विज्ञान को, जिसकी वजह से रॉकेट उड़ान भरता है। बाकी पटाखों की तरह रॉकेट में भी बारूद का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें इसे भरने का तरीका अलग होता है। बारूद को अलग तरह से भरने और इस्तेमाल करने के कारण से ही रॉकेट हवा में तेज रफ्तार के साथ उड़ता है और आसमान में जाकर ब्लास्ट होता है। रॉकेट को बनाते समय इसका सबसे ऊपरी नली के आकार का रखा जाता है। रॉकेट को कभी भी पूरी तरह बारूद से नहीं भरा जाता, बल्कि इसके कुछ हिस्से में बारूद भरी जाती है और कुछ हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता है। रॉकेट के इस खाली हिस्से के निचले में बारूद भरा जाता और यहीं से कागज की धागेनुमा संरचना जिसे आम भाषा में बत्ती भी कहते हैं निकली होती है। इसी में आग लगाकर रॉकेट चलाया जाता है। रॉकेट को छोड़ने वाला जब बारूद में आग लगाता है तो बारूद जलना शुरू होता है। रॉकेट के खाली हिस्से में इतनी ज्यादा गर्माहट और गैस इकट्ठा हो जाती है कि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में दबाव पैदा होता है और यही दबाव रॉकेट के खाली हिस्से को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रेशर बनाता है। अतः रॉकेट का ऊपरी सिरा जिस ओर होता है वह उधर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। ऊपर जाने के बाद जैसे ही दबाव कम होता है तब इसमें तेजी से धमाका होता है और आसमान में रंग बिरंगी रोशनी बिखर जाती है। रॉकेट को बनाते समय बारूद में अलग अलग तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो इसमें से निकलने वाले अलग अलग तरह के रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं।